भारत टाकरे की, जहां शायकीन क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, पुरजोश हैं, वहां कुछ क्रिटिक्स भी सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान पर, क्योंकि पीसीबी के अफसरान की कोलंबो में मौज मस्तियां जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स तफरी में मसरूफ हैं। पीसीबी डायरेक्टर मीडिया और जीएम इंटरनेशनल का कसिनो जाने का मामला, ये मामला क्या है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे असगर अजीम निजान की। असगर, क्या मालूम हुआ है, क्या क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं, जो हुकाम हैं, उन्होंने कोई मौकफ अख्तियार किया मामले पर? देखिए, पीसीबी के जानिब से जब रब्ता किया गया है तो उन्होंने तो ये कहा है कि इस पे चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ ही कोई बयान दे सकते हैं, क्योंकि जो अदनान है वो जीएम इंटरनेशनल है और उमर फारूक डायरेक्टर मीडिया है, जिनके बारे में वीडियो सामने आई थी कि ये रात कैसिनो गए हैं, जबकि अभी सुबह जो है मैच भारत का इंतहाई अहम तरीन मैच है और कैसिनो में उन्होंने मौज मस्तियां भी की हैं। जो कि उमर फारूक ने दावा किया है कि वो कैसिनो नहीं, होटल गए थे, लेकिन जब वीडियो को देखा जाए तो वाजह नजर आ रहा है कि वो कैसिनो में मौजूद हैं और वहाँ मौज मस्तियों में मौजूद हैं। माजी में जब ऐसा हुआ था, मोइन खान वर्ल्ड कप के दौरान कैसिनो चले गए थे, तो जब उनकी तस्वीर वायरल हुई थी तो पीसीबी ने मोइन खान को वापस बुला लिया था और उनको उनके ओहदे से, वो हेड कोच थे, और उनको फारिग कर दिया था। लेकिन अब देखना यह है कि उमर फारूक और अदनान के हवाले से ये पीसीबी क्या फैसला करता है, क्योंकि ये दोनों तो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि वो कैसिनो नहीं गए थे, लेकिन वीडियो तो वाजह तौर पर ये बता रही है कि ये कैसिनो ही में मौजूद थे और वहाँ पे इनके जो हरकत थे, जो वहाँ पे मौजूद लोग जराए हमारे बता रहे हैं कि उनके जो हरकत थे वो हरकत भी कुछ मशकूक टाइप के थे। जी, बहुत शुक्रिया असगर अजीम, अहम मामले से मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे।